पर आज जो हमारा आने का जो मेन मोटिव है यहाँ पे वो कुछ तो क्या हाल चाल पीरो, पीछे जो पेंटिंग है वो हमारे पैरालंपिक्स के सल्यूट के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो अगर वो देखनी है और भी चीजें देखनी है पिछले व्लॉग में, तो यहाँ लिंक आ गया होगा, देख लेना। आज हमारा जो यहाँ पे कोई बस अड़ हुई है पता करते हैं, पर आज जो हमारा आने का जो मेन मोटिव है यहाँ पे वो कुछ ऐसा है कि हम कुछ करने आए हैं स्पेसिफिकली, और ऐसा नहीं है कि एक वॉक अराउंड पे आए हैं स्पेशली, कुछ मेन चीज है जो पिछले ब्लॉग में मैंने बताई थी, ठीक है, उसी लिए आए हैं। तो लेट्स सी। हमारा सिर्फ काम है ना कि मार्केट में एक्चुअली क्या क्या है वो बता सकते हैं, ठीक है, और अंदर क्या है वो किसी में चेक करने की बस की बात है नहीं फिलहाल, ठीक है। तो अगर कुछ भी लो तो अपने चेक करके लो, सब कुछ करके लो, क्योंकि कोई भी अगर कहीं जाता है किसी की तारीफ करता है ना तो अंदर एक्चुअली क्या है वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। हाँ तो भाई जा सुनो, जो हम स्पेशल कंटेंट कह रहे थे उसके पास हम आ गए। जैसे यहाँ तो पता चल गया होगा कहाँ आए हैं कैसे आए हैं, ये भी काफ़ी बार आ चुके हैं यहाँ पे, और ये काफ़ी बैनली भी बहुत बढ़िया लग रही है, पर ये नहीं है, अंदर जो खड़ी है हमको दिख रही है, आपको भी देखनी है तो सिनेमैटिक देखो, इन्फॉर्मेशन जो भी होगी उसके बाद, ठीक है। चलो 3 2 1 myself and I stayed. I'm a pretty boss, look on my shit bright white. I'm a freak in the sheets, but I got clothes. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you. बाकी ये स्मोकी कहते हैं इंडिकेटर्स, और ये टेल लैम्प ही स्मोकी लगा। बाकी जब एक्चुअली भैया आएंगे ना तो उनसे पूरी डिटेल लेंगे, ये जो टैंक पैड भी लगा हुआ है, ग्रिप पैड भी लगे हुए हैं ये वाले। तो भाई जिन जिन्होंने बाइक्स देखी और पसंद आई, गिव मी वन ऑफ दीज, ठीक है। और अपनी जो बाइक है वो ये खड़ी है पीछे, इसमें बता देते हैं क्या क्या लगा है। ये है फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं इसमें, अलॉयस है, वन साइड स्विंग आर्म है वो मॉडिफाइड है, और कार्बन फाइबर से इसके कहते हैं मिरर्स भी कार्बन फाइबर की, और इसमें जो पीछे जो बैक पैनल्स को मेरे को नाम नहीं पता क्या कहते हैं, ये भी कार्बन फाइबर से लगा हुआ है, और जो इसका पीछे का टायर है वो काफ़ी फैट टायर है। अब एग्जैक्टली साइज़ क्या है वो तो भैया आएंगे तो उनसे पूछूंगा, वो भी आने वाले हैं। बाकी जो ये यार काफ़ी दिनों बाद है ना, चीज़ों के नाम हम थोड़े से भूल गए हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद आ जाएगा। ये भी कार्बन फाइबर, और ये जो एक्चुअल में शोर मचाएगा तो आवाज़ भी सुनाते हैं आपको थोड़ी देर में, ऑन करके भी दिखाते हैं थोड़ी सी दूर आगे का। ये भी अलॉय लगा हुआ है, और इसको एक्चुअल में क्या कहते हैं, बट ये इतना मेरे को पता, ये भी मॉडिफाइड ही है। बाकी आवाज़ सुनते हैं, बाकी वार्तालाप उसके पश्चात। Yeah.
आवाज़ें सुनने को इतनी क्रेविंग हो रही थी इतने दिनों से, हम व्लॉग नहीं कर पा रहे थे और क्या आ नहीं पा रहे थे, संडे राइड्स पे नहीं जा पा रहे थे कहीं नहीं, ये आवाज़ सुनने के लिए इतना तरस गए थे ना, क्या बताएं। ठीक है, पर अब जो हम वापस आ गए हैं, व्लॉग्स आएंगे, ठीक है, और आएंगे तो देखो यार, अपन जो है थोड़ा सा कंटेंट जो है इलैबोरेट कर रहे हैं। बाइक्स तो हैं ही, कार्स, सुपर कार्स दोनों और ट्रैवल, ये सब कोशिश करेंगे घुसाने की। खाली बाइक्स बाइक्स क्यों, जिसमें एक लौंडे का इंटरेस्ट होता है सब घुसाएंगे ना। और भाई इसकी आवाज़, मैं कसम से कह रहा हूँ, जिन्होंने हेडफोन लगा रखे हैं ना, ये मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक से रिकॉर्ड करते हो, जो एक्चुअल वहाँ आती है, उसका पूरा अंदाज़ा तो नहीं दे पाएंगे, बट अच्छा खासा लग गया होगा, क्योंकि मैंने यूं कान पकड़े थे, बिल्कुल साइड में खड़ा था, रिकॉर्ड करने के लिए वहीं पर खड़ा रहना पड़ता है ना इसीलिए। बाकी एक हमने ये 14R की जो आवाज़ है ये वो तो देख ली, बाकी एक चीज़ और खड़ी है वहाँ पे जो अपनी फेवरेट है, ठीक है। देख 14R बहुत बढ़िया बाइक है, सारी बाइक्स बहुत बढ़िया है, पर दो बाइक्स ऐसी हैं जो अपने में फेवरेट लिस्ट में आती है, बाकी सबको पता होगा, उनमें से एक यहाँ खड़ी है, ठीक है। अगर इस पर व्लॉग चाहिए तो भी बताना, जरूर लाएंगे। तो भाई मोटी मोटी बात तो आपको बताऊं तो भैया को लग जाएगा अभी टाइम आने में, मेरी अभी फ़ोन पर बात हुई है तो कह रहे थे तू ही बता दे यार, तो मैं कहा यार कि एक्चुअल में प्राइस वाइज कब क्या है ये सब तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बाकी उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन पर दे देता हूँ, वो आपसे बात कर लेना, जो भी प्राइस मॉडल है, मॉडल मेरे 2015 है, और मैं वैसे स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ आपको कि इसमें जो है पूरा बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, 3 इसमें है ट्रैक्शन कंट्रोल, 2 इसमें है स्पीड मोड्स, और ट्रैक्शन कंट्रोल अलग अलग होते हैं कि जैसे पूरा ऑफ करना है या फिर दोनों व्हील्स साथ में काम करते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल उनको कहते हैं, जैसे लीन करना हो तो गाड़ी स्लिप ना हो, बारिश में स्लिप ना हो, इन सब चीज़ों में स्लिप ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसको हम ट्रैक्शन कंट्रोल कहते हैं। और बाकी इसमें जो है 1441cc का इंजन है, और जिन जिन लोगों को पता होगा ये भूसा किलर भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भूसा आई थी और जो पूरी सिस्टम में क्या कहते हैं रेस चल रही थी कौन फास्टेस्ट बाइक प्रोड्यूस, तो क्या हद चल पीरो, अच्छा नहीं ये तो दूसरा लोग है, अच्छा सॉरी, एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं वो शूट कर रहा था ना वही सब चीज़ें, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, हमारे कैमरा की बैटरी हो गई डाउन, और डाउन होने की वजह से हम वो व्लॉग पूरा नहीं कर पाए, पर ज़्यादा नहीं, हमने 95% कवर कर लिया था, 5% बस बाय बाय तुम सबको कहना भूल गया था, और ये लग रहा होगा कि ये सेटअप तो बिल्कुल पहले नहीं देखा है, वही बताते हैं, पहले दिखाई देते हैं, आओ। हम कहीं आए हुए हैं बाहर, मतलब अगले ब्लॉग जो होने वाले हैं वो ट्रैवल ब्लॉग होने वाले हैं, ठीक है, और ट्रैवल ब्लॉग, ट्रैवल की जिसको प्यार है तो सब्सक्राइब कर देना, अभी कौन बनने वाला है, चलो सी यू पीरे आस्ता ला वीस्ता, उसमें से ये बताया गया था कि जो 14X आ रहा है वो बहुत कातिल है, 1441cc इंजन होता है, 3 ट्रैक्शन कंट्रोल होते हैं, 2 स्पीड कंट्रोल होते हैं, ये मेरे को उस टाइम का याद है, अभी मैंने नहीं पढ़ा, और भूसा किलर कहते हैं, तो भूसा के लिए बनाया गया था जब भूसा बहुत ट्रेंड कर रही थी, जो स्टोरी है वो आई हुई, और पिछला ब्लॉग जो है देख लेना इधर उधर आ गया होगा, और नेक्स्ट ब्लॉग की हम तैयारी करते हैं जो अब ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है, तो ड्रिल आपको पता है, काका करना है भैया, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन, लाइक कमेंट शेयर करो, आस्ता ला वीस्ता मेरे, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।